नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय, जो भी सिविल या दीवानी मामले होते हैं, इनमें संबंध क्या होता है, कब जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, इन सब विषयों पर क्यों इसकी आवश्यकता होती है, इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। इसके पहले मेरा अनुरोध है, चैनल से जुड़े होंगे ऐसा मैं मानता हूं, यदि नहीं जुड़ी है तो कृपया पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से जुड़ जाएं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, उसका चैनल अर्चना आर्ट हब के नाम से है, जिसमें आर्ट, क्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग, भजन आदि है। कृपया आप उससे भी जुड़िए, आपको, महिलाओं को, बच्चों को, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, सभी को अच्छी जानकारी उसमें उपलब्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वीडियो के विषय पर आता हूं। समन्स किसी भी न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सिविल मामलों में ये जारी होता है, जो न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जज होता है, वो दीवानी मामले में जब दावा प्रस्तुत हो जाता है, न्यायालय के समक्ष संस्थगित कर दिया जाता है, उसकी जांच हो जाती है, तो पहली पेशी में अपीयरेंस के लिए विपक्षी को नोटिस जारी करते हैं, उसमें संबंध हो सकता है सिविल मामले में। तो जैसे ही न्यायालय का संबंध, प्रायः आपने सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों को के द्वारा कहा जाता है कि मुझे मामले का नोटिस मिला है, संबंध मिला है, तो उसमें ये न्यायालय के जज द्वारा जारी किया जाता है। दो प्रति में होता है, न्यायालय का मजकूरी या बाय पोस्ट या कभी कभी प्रकाशन के माध्यम से भी इसकी सूचना पक्षकारों को दी जाती है, जो भी विपक्षी पक्षकार है, अपोजिट पार्टी है, जिसको प्रतिवादी बोला जाता है। संबंध मिलने के लिए न्यायालय में कोई भी बात, चाहे वो रुपए पैसे से संबंधित दावा हो, चाहे वो इविक्शन से संबंधित, मकान खाली कराने से संबंधित दावा हो, रुपया वसूली का दावा हो, या अन्य किसी सिविल नेचर का दावा हो, तो इस संबंध को न्यायालय का जो न्यायाधीश जारी करता है, वो दावा संस्थगित जब हो जाता है, अपोजिट पार्टी की उपस्थिति के लिए जारी किया जाता है। इसमें कुछ बातें संबंध में रहती हैं, ये दो प्रति में होता है, प्रारूप इसका सीपीसी में छपा हुआ है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट इसे जारी करता है, कौन सा न्यायालय कब इसे जारी करेगा, सक्षम न्यायालय जिसकी अधिकारिता में वो दावा प्रस्तुत हुआ है, विपक्षी की उपस्थिति के लिए जारी करता है, जिसमें समय रहता है, ऊपर उसमें कोर्ट का नाम रहता है, दोनों पार्टी का नाम रहता है, केस नंबर रहता है, और कब आपको न्यायालय के समक्ष कितने बजे किस तारीख को उपस्थित होना है, इसका उल्लेख रहता है। न्यायालय के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की इस पर सील रहती है, मुद्रा रहती है, हस्ताक्षर रहते हैं। तो ये संबंध जब भी किसी पार्टी को मिलता है, सामान्यतः उसको नोटिस, चाहे वो रजिस्टर्ड डाक से आया हो, चाहे मजकूरी लेके आया हो, या अन्य किसी अखबार से सूचना मिली हो, उपस्थित हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऑर्डर 5 रूल 1 CPC में इस संबंध में लिखित व्यवस्था दी गई है। यह आपकी, विपक्षी के जो भी पक्षकार हैं, उसकी प्रेजेंस को एंश्योर करता है, अर्थात उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने क्लेम के जवाब में क्या कहना है, रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन जिसे बोलते हैं, जवाब दावा भी बोला जाता है, जाकर न्यायालय को बताना होता है कि ये दावा वास्तव में सही नहीं है, झूठा है, जो कुछ भी है वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आप स्वयं जा सकते हैं, अपने वकील साहब को ले जा सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको आपने ऑथोराइज किया है पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा, या वैसे उसको भेज सकते हैं। तो व्हाट इज समन्स, विच कोर्ट कैन इशू समन्स, तो समन मैंने बताया दो प्रति में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, कोर्ट का नाम होगा, आपको उपस्थित होने की तारीख, समय, किस दिन कब उपस्थित होना है, किस बारे में, समन्स के साथ कभी कभी दस्तावेज भी न्यायालय के द्वारा भेजे जाते हैं, जो वादी के द्वारा या प्लेंटिव के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने क्लेम के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। आप उपस्थित होइए, WSR रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर आपको प्रस्तुत करना है, और न्यायालय से समय लेकर उस अवधि में प्रयास कीजिए। सामान्यतः 2-3 पेशी उसमें न्यायालय द्वारा भी दे दी जाती है, किसी कारण से तैयार नहीं हो पाया जवाब दावा, या आपका क्लेम जो वादी के दावे के जवाब में प्रस्तुत होना है, तो आप उपस्थित होकर, चाहे आप स्वयं हो या अपने प्लीडर से हो या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो, समय ले लेते हैं, और आपको 30 दिन में अपना क्लेम, जो कुछ भी रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा, न्यायालय के समक्ष वादी के जवाब, वादी का जो दावा है उसके जवाब में पेश करना है, कर देना चाहिए। अन्यथा अगर आप संबंध नहीं लेते हैं, तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी या एक पक्षी कार्यवाही न्यायालय विधि अनुसार कर सकता है, विधि सम्मत तरीके से। तो आदेश की अनुपालना आप करें, मेरा ऐसा मानना है, जब भी किसी व्यक्ति को संबंध नोटिस मिले सिविल कोर्ट का, उसको जाना चाहिए।
संबंध मिलने, पार्टी या प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, जो भी पहुंचा है आपका, अगर समय लेता है तो समय ले ले और उस सम्मंस पर जज के हस्ताक्षर, सील और वो अथोराइज्ड तरीके से विधि अनुसार विधि प्राधिकृत रूप में जारी होता है। अब जहां तक प्रश्न है कि सम्मन किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, भारत का कोई भी सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला यदि प्रस्तुत होता है तो वो सम्मन्स जारी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। न्यायालय के आदेश उपस्थित होकर आपको पालना करनी चाहिए, पालन करना चाहिए जो भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। और कुछ चीजों में इन्होंने एग्जेप्शन सीपीसी में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिया गया है। प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव स्पीकर हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनको जजेज हैं, ऑनरेबल जजेज, इनको भी इस संबंध से छूट दी गई है। सेक्शन 132 सीपीसी ये कहता है कि महिलाओं को अगर उनके कोई ऐसे कस्टम में, प्रथा में वहां जाने के लिए छूट दी गई है तो वो न्यायालय को जाकर बता सकती है, उनका रिकॉग्नाइज एजेंट बता सकता है कि उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता, उनकी प्रथा के अनुसार उन्हें वहां उपस्थित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह किसी भी व्यक्ति को यदि न्यायालय का सम्मन मिलता है तो न्यायालय के सम्मन का आदर करे, न्यायालय में उपस्थित हो, जज साहब को, न्यायाधीश को पूरी स्थिति बताए, जाकर अपना जवाब दावा समय सीमा 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयास करे, और यदि मामला झूठा है तो वैसी स्थिति में रिटन स्टेटमेंट में सारे फैक्ट्स लिखे, डिनाइल करे, स्पेसिफिक डिनाइल करे। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में सरल भाषा में सम्मन क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या अधिकारिता है और सम्मन होता क्या है, इस बारे में आपको बताया। कई बार सम्मन की डेलिबरेटली लोग तामिल से बचते हैं तो या तो उसको चस्पा कर दिया जाता है या फिर ऑर्डर 5 रूल 20 आदेश सीपीसी का आदेश 5 नियम 20 के तहत वो स्थानीय जो लोकल समाचार पत्र है वो वादी के खर्चे पर उसमें नोटिस को छापा जाता है और ये माना जाता है कि सार्वजनिक रूप से ये प्रकाशित हो गया और उस व्यक्ति, प्रतिवादी या विपक्षी को इसकी सूचना समय के अंदर हो गई है। यदि वो उसके बाद भी न्यायालय के समक्ष नहीं जाता है तो वो एक्स पार्टी उसके विरुद्ध कार्यवाही कर दी जाती है। तो इन चीजों से आप बचें, नियमानुसार विधि के आदेश की जो भी सम्मन जारी किया है न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर उसका पालन करें और इस तरह आप सम्मन की तामीली करके अपना जो भी आपको जवाब प्रतिवाद पेश करना है, जवाब दावा देना है वो दें। तो मैंने सरल भाषा में इसमें आपको सम्मन क्या होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, मोटे मोटे तौर पर बताया। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो सरल भाषा में आपको समझ में आया होगा, आपके कानूनी ज्ञान में भी कुछ इजाफा हुआ होगा। मैं आपका मित्र, रिटायर्ड जज, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पर नए नए कानूनी बिंदु स्पष्ट करके आपकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं, सब्सक्राइबर की संख्या भी काफी बढ़ गई है और पहले से अधिक लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, कृपया लाभ उठाते रहें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।